आज का जो सेशन है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा के अधिकार से जुड़ा जो कानून है भारत में उसके बारे में। तो इसके पहले कि हम चर्चा करें कि इस कानून के अंदर क्या क्या होता है नहीं होता है, हम पहले इस बारे में बात करेंगे कि इस कानून का इतिहास क्या था, ये कानून आया कैसे। तो सबसे पहले तो एक केस था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा शिक्षा का जो अधिकार है वो जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है और एक संपूर्ण जीवन तभी जिया जा सकता है अगर आपके पास शिक्षा हो। तो ये पहला केस था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जिसमें शिक्षा के अधिकार की बात की गई। इसके बाद अगर हम आते हैं तो जो दूसरा केस है वो है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में मोहिनी जैन का जो केस था उस बात को ही आगे बढ़ाया गया। इसमें कहा गया कि जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार का मतलब ये है कि जो सरकार है गवर्नमेंट है उन्हें सबको एजुकेशन की फैसिलिटी देनी होगी, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनको एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना सरकार का कर्तव्य बनाया गया। और ये हुआ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में। तो जब ये दो केसेस आ गए तो उसके बाद सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कैसे शिक्षा सबको शिक्षा का हक दिया जाए। तो इसमें संविधान में 86 संशोधन अधिनियम 2002 86 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। अब जैसे कि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ की बात करता है, उसमें संशोधन जोड़ा गया आर्टिकल 21A जिसमें ये प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करना सरकार का कर्तव्य है और इस अधिकार को कानूनी रूप देने के लिए राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ है। तो ये तो इस कानून के इतिहास के बारे में बात हुई। तो हम पहले देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसकी क्या विशेषता है। इसमें है कि भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित की गई, यानी कि कक्षा 8 से कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है उसको प्राइमरी एजुकेशन माना गया। प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि 8th क्लास तक किसी भी बच्चे की आप पढ़ाई रोक नहीं सकते हैं, उनको स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं और 8th क्लास तक आप किसी तरीके की बोर्ड परीक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है या तो या है भी तो, और वो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि सीधे से दाखिल लेने वाले बच्चों के समक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष ट्रेनिंग दी जानी होगी जो प्रस्तावित हो, यानी कि जो स्कूल की हेडमास्टर हैं प्रिंसिपल हैं वो ये निर्णय लेंगे कि क्या स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपने कक्षा के बाकी बच्चों के लेवल पे आ सके। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाले बच्चे को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा को पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए उम्र का साक्ष्य प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए जो एज है वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से डिसाइड की जाएगी कि उस बच्चे की एज क्या है, और प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर एक विशेषता ये है इस कानून में कि ये कहता है कि एक निश्चित शिक्षक छात्र अनुपात की सिफारिश, यानी कि एक रिकमेंडेड रेशियो होना चाहिए
कि एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, तो इस कानून में क्या रेशियो है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो ये कानून रखता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलों में कक्षा एक में दाखिला लेने के लिए 25% का आरक्षण। तो इस कानून में दो तरीके के आरक्षण हैं, एक तो जो बैकवर्ड कम्युनिटी, जो जनरल आरक्षण होता है बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, वो आरक्षण भी है। फिर दूसरा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मतलब इन इकोनॉमिक बेस्ड इनकम बेस्ड आरक्षण भी इसमें है, और हर प्राइवेट स्कूल को 25% रिजर्वेशन रखना होगा इस लॉ के अंदर। फिर स्कूल शिक्षक को 5 वर्षों के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त कर लेना होगा, अन्यथा उनको उनकी नौकरी चली जाएगी। यानी कि बिना डिग्री के किसी भी स्कूल में जो इस कानून के अंडर पा रहे थे, बिना डिग्री के कोई भी टीचर 5 साल से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता है। फिर ये है कि जो स्कूल का बुनियादी ढांचा है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसको 3 वर्षों के भीतर सुधारना होगा, नहीं तो फिर उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर इस कानून के तहत जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वित्तीय बोझ जो है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच 55-45 के रेशियो में बांटा जाता है। तो 55% इस कानून के अंडर जो बजट है, फाइनेंसेस हैं, वो राज्य सरकार के द्वारा आएंगे, और 45% जो बजट है वो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कानून एडमिशन प्रोसीजर के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले ये प्रायोरिटी देता है कि जो आपके पड़ोस में स्कूल्स हैं, नेबरिंग स्कूल्स हैं, बच्चों को उसी में डाला जाए। तो नेबरिंग स्कूल क्या होता है, अगर बच्चा कक्षा एक से कक्षा 5 की बात करें, तो बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो स्कूल है, और अगर हम कक्षा 6 से कक्षा 8 की बात करें, तो बच्चे के स्कूल के 8 किलोमीटर के अंदर अंदर जो स्कूल है उसके बारे में, वो है नेबरिंग स्कूल। और ये प्रावधान इसलिए दिया गया है क्योंकि हम में से जो लोग जो शहरों में रहते हैं, वो तो शायद फिर भी बसों में स्कूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत में अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको पैदल चल के या साइकिल से स्कूल जाना पड़ता है। तो उनके लिए ये प्रावधान रखा गया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी नेबरहुड स्कूल में मिले। और इसमें ये है कि एडमिशन फॉर्म भरना होगा, और एडमिशन फॉर्म के बाद एडमिशन के लिए कोई भी स्कूल किसी भी तरीके की डोनेशन या पेमेंट नहीं मांग सकता है। जो स्कूल फीस है सिर्फ वही पेमेंट होगी, उसके अलावा कोई भी स्कूल किसी भी तरीके का डोनेशन नहीं मांग सकता है। और जब कक्षा एक में, पहली कक्षा में बच्चे का एडमिशन होता है, तो कोई भी स्कूल किसी तरीके का एडमिशन टेस्ट या इंटरव्यू इंटरव्यू या तो बच्चे का या पेरेंट्स का नहीं रखेगा। बहुत सिंपल सिस्टम रखा गया है कि ये लॉटरी मेथड होगा, जो जितने भी एडमिशन फॉर्म आए हैं उनको लॉटरी के मेथड से पिकअप करना होगा। और अगर कोई भी स्कूल इन सब प्रोविजंस को नहीं फॉलो करता है, तो पहली बारी में उनके ऊपर 25,000 रुपये का फाइन और दूसरी बारी में 50,000 रुपये का फाइन लग सकता है। अब फिर दूसरी बात हम ये समझते हैं कि ये जो प्रावधान है ये हर तरीके के स्कूल को कवर करता है, यानी कि जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, इन सबको ये लॉ कवर करता है। लेकिन जो माइनॉरिटी रिलीजन द्वारा चलाए गए स्कूल हैं, यानी कि जैसे अगर मैं गुजरात में हूँ और वहाँ पे जो तमिल समुदाय है, अगर वो तमिलियंस के लिए कोई स्कूल वहाँ पे चला रहे हैं गुजरात में, तो गुजरात में जो तमिलियन हैं वो माइनॉरिटी हुए, और उनके द्वारा अगर कोई स्कूल चल रहा है, तो फिर उस पे ये प्रावधान नहीं चलेगा। और ये इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपनी पाठशाला, अपना स्कूल अपने तरीके से चलाने की सुविधा है, ताकि वह अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज की सुरक्षा कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उनको आरटीई एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, और उनको आरटीई एक्ट के प्रावधान को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरी और चीजें इसमें ये दी गई हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी किसी भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन मना नहीं किया जा सकता है, चाहे वो एकेडमिक ईयर आगे बढ़ गया हो फिर भी। लेकिन ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि अगर एकेडमिक सेशन मान लीजिए जून में शुरू हो रहा है और कोई बच्चा 6 महीने बाद ज्वाइन करता है, तो उसमें उस बच्चे के लिए स्पेशल ट्रेनिंग रखी जाएगी। और ये ट्रेनिंग क्या होगी, कैसे होगी, ये उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे। उसके बाद ये कानून ये भी कहता है कि किसी तरीके की आप बच्चे के साथ फिजिकल पिटाई या मेंटल हैरेसमेंट नहीं कर सकते। अब फिजिकल पिटाई का मतलब है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते हैं, उनके बाल नहीं खींच सकते हैं, उन्हें थप्पड़ नहीं लगा सकते हैं, आप उन्हें रूलर या डस्टर से नहीं मार सकते हैं। और मेंटल हैरेसमेंट की बात हुई कि आप बच्चे के बैकग्राउंड का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, उनकी कास्ट का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, उनके पेरेंट्स क्या काम करते हैं उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, और बच्चे को शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए। और दूसरी बात, जब तक प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं होती, प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 8 तक की शिक्षा, तब तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं के अंडर जो स्कूल्स आते हैं उनके ऊपर भी कुछ नौ कानून दिए गए हैं। उसमें यह है कि लड़कियों और लड़कों के लिए, अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, और एक टीचर को कम से कम एक हफ्ते में 45 वर्किंग आवर्स के लिए काम करना चाहिए। तो जितने भी स्कूल्स हैं उसमें एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो छात्र वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स भी होने चाहिए। तो किसी हर स्कूल की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 3/4 यानी कि 3/4 हिस्सा पेरेंट्स का होगा। और मिड डे मील स्कीम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि 1 से 8वीं कक्षा तक क्लास के जो बच्चे हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिड डे मील दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपने उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, लेकिन सरकार के लिए कंपलसरी है कि जिसको भी एजुकेशन चाहिए, जो भी बच्चा एजुकेशन के लिए आ रहा है उसको एजुकेशन दी जाए। तो जैसे कि अगर कोई भी स्कूल इसमें कोई प्रावधान फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ की जो एजुकेशन अथॉरिटी है उसको कंप्लेन कर सकते हैं। और आप इसमें क्या है कि हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो जैसे आपको हरियाणा के बारे में अगर सवाल है तो आप देखिए कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी कौन सी अपॉइंटेड है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कौन सा अपॉइंटेड है, और आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से इसी समय एक सेशन करेंगे, और टॉपिक क्या होगा वो भी आप लोग ही चुनेंगे। और इस तरह की कानूनी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट न्याया.org पे जाएं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादातर जानकारी इंग्लिश में है और काफ़ी जानकारी हिंदी में भी अवेलेबल है। और आप हमारा यूट्यूब चैनल न्याया इंडिया, उस पर भी जानकारी पा सकते हैं। और आज के लिए जुड़ने के लिए शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना ही।